अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में तबारक हुसैन एक बार फिर सिटी क्लब के नट्स फैक्टर्स सेशन में आ गए। आज हम जिस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं वो एक बिल्कुल बिगिनर जो है, रिसेंटली हमारे क्लब में एक नया एडमिशन हुआ है, एक नया बच्चा है, बिल्कुल बिगिनर, जिसको कहते हैं स्टार्ट में अभी क्रिकेट बिल्कुल स्टार्ट की है, उस पर वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हमने ग्रिप के बारे में उनको बता दिया, स्टांस के बारे में बता दिया है। अभी इसको हमने थ्रो डाउन से कुछ जो इसके अंदर एरर हैं जो डिटेक्ट किए हैं हमने, उनको डिटेक्ट किया कर तो लिया है, लेकिन हम उसको करेक्ट कैसे करते हैं, उसकी इंप्रोक्शन कैसे करनी है, दुरुस्त कैसे करना है, उस पर वर्कआउट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है हमारे साथ, अभी भी क्लब में आया है, इस पर जो वर्कआउट करने जा रहे हैं आप हमारे साथ रहिएगा और एट द एंड हमें फीडबैक से जरूर मारिएगा। ओके अगेन, यस यस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको चार बालें थ्रो डाउन इसकी तरफ की हैं, जो तो मुख्तलिफ एंगल से की हैं। ये खेला तो है क्योंकि ये प्रैक्टिस बार है, सिमट के पीछे है, बाल सीधा जा रहा है, लेकिन माइनर से इसमें मिस्टेक है, मे बी ग्रिप में है कि उसका जो बैट रोक रहा है, इसका बैट जो बंद हो रहा है, एट द एंड बैट उसका बंद हो रहा है, उसका हेड जो है बहुत ऊपर है, यानी कि बिल्कुल ऊपर बाल के ऊपर नहीं आ रहा, जो स्ट्रेच जो है स्ट्रेचिंग है उसकी वो कम है आगे की तरफ। तो अभी इसको मैं बताऊँगा कि यार ये चीज़ें आपने कवर करनी है नेक्स्ट टाइम, ये करेक्ट करनी है ताकि बाल के ऊपर पूरा आके अच्छा खेला जा सके। जैसा कि आपको पता है बैट की जो ग्रिप है, हाउ टू होल्ड द बैट, बैट को कैसे पकड़ते हैं, ये मेरा टॉप हैंड है, ये देखिए मैं बाहर बैट को उठा रहा हूँ, ये चूंकि मैं पहले ग्रिप इस पर पूरी मैं वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन ये बिगिनर न्यू कमर हैं, मैं चूँकि इनको दोबारा से बता रहा हूँ आज ग्रिप। ये मेरा टॉप हैंड है, ये वी शेप मैंने पकड़ लिया है, ये मेरा बॉटम हैंड, ये नीचे वाला हाथ है, ये भी वी में है, बोथ वी आर अलाइंट, दोनों एक लाइन में है, और उसके बाद मेरा जो ऊपर वाला हाथ है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ये देखिए पॉइंट कर रहा है, हल्को मेरी स्टेट अंपायर की तरफ हो, और नीचे वाला हाथ जो है लूज है, ऊपर वाला टाइट है, बट इसको नीचे वाला हाथ बैट मैंने यूँ पकड़ा है, नीज जो है मेरी बैंड है वो फ्लेक्सीबिलिटी है, यानी कि लचकदार है, कम्फर्टेबल पोजिशन में खड़ा हूँ, बैलेंस भी है, स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। उसके बाद आपका बैट है, बैट की जो बैक स्विंग है वो कैसे होनी है, बैक स्विंग, जब बैक स्विंग होगी हल्की सी तो अगला पाँव आगे की तरफ निकलेगा, यानी कि एक्शन रिएक्शन, ये बैट पीछे जाएगा, अगला फ्रंट फुट जो आगे की तरफ ज़रा सा निकलेगा, अगर इनिशियल मूवमेंट लेनी है तो ये देख पिछला पाँव मूव करेगा, फिर ये अगला मूव करेगा, और बैट जब क्यों हुआ ये वाला, ये जो आउटर रह जाए, ये फर्स्ट और सेकेंड स्लिप की तरफ से आएगा, अल्पो स्टैंड अपैक की तरफ होगी। अब मेरे लिए ईजी है खेलना, मेरे लिए ईजी है खेलना, निशान भाई जरा बाल फेंगे, हेड इसके ऊपर, ठीक है, फ्रंट लेग उधर जा रही है, एल्बो भी मेरी उसी तरफ जा रही है, दिस वन इनसाइड द फ्रंट फुट, यहाँ से खेलना है, ये फ्रंट फुट के लिए डिफेंस भी है और यहाँ से अटैक भी है, कोई भी ड्राइव खेल सकते हैं, कवर फ्रंट ऑन ड्राइव, ठीक है। अब निशान भाई ये बैट आ रहा है, अब जितनी जल्दी बाल के ऊपर आएगा, ये जितनी जल्दी फीट मूवमेंट होगी उतना इजीली खेलेगा। चलें आप इसको चेक करते हैं कि आया कि इसकी कोई ना इम्प्रूवमेंट आई है, खेल पाएगा या नहीं, यस। रोको बाल को, जब बैट इन बैट, बैट और पैड के बीच में बिग गैप है, इसको कवर करो, जब गैप ही होना चाहिए, बेहतर था सर भी लेके जाओ और सर डालो बाल को, फिर टर्न खा लो, स्टिल बैट आका, बैट का फेस मिडिल की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, बैट का फेस इधर ही हो, ठीक है, अब एंड, यस, बैटर था, ये था लेफ्ट हैंड हमारे जो बिगिनर बचा है। उसके बाद अभी एक
राइट हैंड बैट्समैन आ रहा है फहद, इस पर भी वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर है, अगर हैं तो उसको भी कट कर दिया। आ जा फहद, जस्ट फ्रंट फुट डिफेंस करना है, जस्ट जस्ट यकीनन इसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक हैं, एरर हैं। एक तो बॉल पे बहुत लेट आ रहा है, दूसरी बात ये कि बॉटम एंड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और तीसरा इसका एक और ये चीज़ है कि इसका बॉडी का जो वेट है ये आस्टम की तरफ जा रहा है, यानी कि अगली टांग ऑटोमेटिकली उस तरफ जा रही है। अब उसके बाद जो बॉल इस तरफ आ रहा है उसको खेलते हुए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टांग इस तरफ जब निकलेगी बॉल इस तरफ आएगा तब कैसे आउट कैन प्ले, फिर कैसे खेल सकता है। अब पदी आपने क्या करना है, ये पोजीशन लेनी है, इस पोजीशन में खड़े होना, ओके, इस पोजीशन यहाँ आके रुक जाना है, बैट यहाँ ही रखना, और यहाँ से इसी साथ बैट उसको मिला पकड़ के, और यहाँ पर रोकना है बाल को, शॉट पर बाल को जस्ट रोकना है आपने, शॉट नहीं मारना है। आगे चले जाओ, इस पोजीशन में खड़े हो जाओ, थोड़ा अगला पाउंड निकाल के, यस रोको, बैट सीधा ले, यस बैट सीधा स्ट्रेट, टॉप एंड से टॉप एंड से मेरे पास बाल है, यस ऊपर वाले हाथ से खेलेंगे तो बैट सीधा आएगा मेरी तरफ, तो बैट कैसे खुल रहा है, फास्ट सेकंड तरीके बैट बंद है, क्लोज है आपका। एक और व्यूवर्स इसकी जो बहुत बड़ी मिस्टेक अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इसका बैट जो बंद आ रहा है, इसका बैट यूँ आ रहा है, यहाँ से कैसे आ रहा है, यूँ आ रहा है, हालांकि इस तरह आना चाहिए बैट को, इस तरह आना चाहिए, इस तरह इसका जो फेस है बैट का ये पॉइंट की तरफ होना चाहिए, फिर इसके ऑटोमेटिकली इसका बैट सीधा आएगा, इसको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसका बैट स्ट्रेट आएगा, इसका बैट यूँ आ रहा है, इसको दुरुस्त करो, इसको ग्रिप रोकना है, बॉल थोड़ा बेहतर था, स्टिल स्टिल बंद जा रहा है, क्लोज नहीं करना बैट का, यस फ्रंट फुट फ्रंट फुट फ्रंट फुट बैटर, ये बेहतर था। ये चीज़ें बताई हैं कि जो है ना आपको दोबारा से यहाँ से थ्रो डाउन से डेली आके अपने पार्टनर के साथ डेली प्रैक्टिस करनी है, ओके।